साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की पेरोल पर रिहाई की मुद्दत आज खत्म हो रही है। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ तीनों कैदियों को अडयाला जेल छोड़ने जाएंगे। बहालत मजबूरी, पार्लियामेंट के मुश्तरक इजलास में शिरकत नहीं कर सकूंगा। बेगम कुलसूम नवाज का इंतकाल पूरे खानदान के लिए किसी धचके से कम नहीं। शहबाज शरीफ की लाहौर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। जाती-उम्रा में फजा सोगवार, ताजियत के लिए सियासी और समाजी शख्सियात की आमद। सिर्फ जरदारी और बिलावल भुट्टो की जाती-उम्रा में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात। बेगम कुलसूम नवाज के इसाले सवाब के लिए फातह खानी की गई। मेरी बैरक वाले सारे कमरे खाली रहते हैं, अमली तौर पर कैदे तन्हाई में हूँ। साबिक वजीर आजम ने आसिफ जरदारी को आप बीती सुनाई। साबिक सदर ने कहा, जेल में था, वालिदा बीमार थी, पेरोल मिल रहा था लेकिन नहीं लिया। बहन के कहने पर बाद में पेरोल लिया। आखिरी मुलाकात में वालदा की आंख से टपका आंसू आज भी तकलीफ देता है। आसिफ जरदारी आप दीदा हो गए। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की भी जाती-उम्रा आमद। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात। बेगम कुलसूम नवाज के लिए फातह खानी। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, कुलसूम नवाज की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान जाम कमाल चोरों की जाती-उम्रा आमद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से अहलिया कुलसूम नवाज के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया और मरहुआ के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह खानी की। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इंतखाबी मुहिम का आगाज। इसी सिलसिले में पीटीआई की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का अहतमाम किया गया। N131 के उम्मीदवार हुमायूं अख्तर की भी तकरीब में शिरकत। थाना टाउनशिप में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नामी दोनों भाइयों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दोनों मुलजिमों के वालिद मोहम्मद शरीफ को भी नामजद किया गया। और फैक्ट्री एरिया के इलाके मस्तकबाल रोड पर नशे में धुत शख्स की अंधाधुन फायरिंग। फायरिंग के जद में आकर तीन बच्चों समेत सात अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद जेर इलाज, एक बच्चे की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने मुलजिम आमिर को गिरफ्तार कर लिया।